Greetings everyone. तो आज हम करेंगे क्लास 8 साइंस का नेक्स्ट चैप्टर दैट इज फोर्स एंड प्रेशर, राइट। तो इस चैप्टर में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे फोर्स के रिगार्डिंग, फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के रिगार्डिंग। फोर्स जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों होती है सभी जगहों में, राइट। तो ये हम सब चीजें पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले जो है एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि फोर्स जो है वो होती क्या है, राइट। तो फोर्स जो है ये एक सिंपल अगर मैं कहूँ किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना फोर्स कहलाता है, राइट। तो ये पुश या पुल ये क्या होता है, ये दोनों टर्म्स बहुत इजी है, राइट। जो आपने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं देखी है या खुद भी फील करी होगी, राइट। तो इसका बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, जब भी आप अपने फ्रेंड को धक्का मारते हो या उसको पंच करते हो तो क्या होता है, आपका फ्रेंड जो अपनी जगह से दूसरी साइड पे मूव कर जाता है, राइट। तो ऐसे ही अगर आपके टेबल पे सपोज एक बुक पड़ी है, राइट, तो क्या होगा कि अगर आप उस बुक को पुश करते हो, राइट, क्या होता है कि वो जो बुक है अपनी जगह से आगे बढ़ जाती है, राइट। तो ऐसे ही ये जो पर्सन है ये क्या कर रहा है, ये इस कार्ट को पुल कर रहा है, राइट। ये कार्ट क्या होगा, उसके साथ ही मूव कर रहा है, राइट। तो व्हाट इज पुश या पुल, किसी चीज को अपनी तरफ या अपने से दूर मूव करना ही पुश या पुल होता है। एंड पुश एंड पुल इज नथिंग बट अ फोर्स, राइट। तो अब ये फोर्स जो होता है ये सभी जगह पे सभी केसेस में बहुत जरूरी होती है, राइट। तो आइए अब हम देखेंगे बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्पल्स यहाँ पे फोर्स अप्लाई होती है, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक जो प्लेयर है वो क्या कर रहा है, उसकी तरफ एक बॉल आ रही है, राइट। और वो क्या कर रहा है, वो जो गोल कीपर है वो बॉल को पुश कर रहा है ताकि जो उसकी टीम है वो जीत जाए, राइट। वो बॉल के ओपोजिट तरफ एक पुश करता है, एक फोर्स लगाता है सो दैट वो उसकी जो टीम है वो जीत जाए। ऐसे ही आप नेक्स्ट पिक्चर में देखो, ये जो एक क्रिकेट प्लेयर है ये बैट्समैन है, ये क्या कर रहा है, जब बॉल इसकी तरफ आती है तो ये उसको बैट की हेल्प से जोर से पुश करता है, राइट, सो दैट वो स्कोर कर सके, राइट। तो आपने घरों में देखा ही होगा आपके मदर्स को रोटी बनाते हुए, तो वो कैसे बनाते हैं, पहले तो वो जो प्लव फ्लोर होता है उसको गूंथते हैं, राइट, आटे को गूंथते हैं, देन उसको रोल करके उसके ऐसे छोटे छोटे से बॉल्स बना लेते हैं, फिर वो इस इन बॉल्स को एक चपाती की शेप दे देते हैं, राइट। तो आपने ये कॉमनली देखा ही होगा, राइट। तो इससे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो एक फोर्स होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकती है, राइट, वो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, राइट, वो उसकी स्पीड को बढ़ा या घटा सकती है, राइट। तो हमने ये फोर्स के कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लिए, राइट। फोर्स एक सिंपल पुश या पुल होता है जो क्या क्या कर सकता है, जो एक मूव जो एक ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, राइट, वो किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी इजीली चेंज कर सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करते जा रहा है तो उसको रेस्ट पर भी लेके आ सकता है, राइट। तो ये इसकी कौन सी एग्जाम्पल होगी, जैसे क्रिकेट में जो है सपोज एक बैट्समैन ने जब बॉल को हिट किया तो दूसरा जो फील्डिंग कर रहा है वो प्लेयर क्या करेगा, वो उस बॉल को कैच करने की कोशिश करेगा, दैट मीन्स वो बॉल की स्पीड को स्टॉप करेगा, राइट। तो ये क्या है, ये ओपोजिट फोर्स है कि एक मूव करती हुई चीज को हम रेस्ट के ऊपर ला सकते हैं, राइट। ऐसे ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, राइट, तो उसकी जो शेप को भी किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे आप इस एग्जांपल में देख ही रहे हो, ऑलराइट। तो आई होप आपको ये सब पॉइंट्स क्लियर है, राइट। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंट चीज, दैट इज फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन, राइट। तो फोर्स जो है वो कैसे पॉसिबल है, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरैक्ट करते हैं, दैट मीन्स कि जो फोर्स है वो दो चीजों के इंटरैक्शन की वजह से होता है, राइट। जैसे मैंने आपको गोलकीपर की एग्जांपल दी, वो क्या करता है, वो जो गोलकीपर है अगर वो बॉल को टच ही नहीं करेगा तो क्या उसको रोक पाएगा, नहीं। तो ये जो है कॉन्टैक्ट है दोनों ऑब्जेक्ट में जो होना बहुत जरूरी है, राइट, दो ऑब्जेक्ट का इंटरैक्ट करना ही एक दूसरे पर
फोर्स लगाना होता है, राइट। तो जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, आप देख रहे हो एक कार है एंड देयर इज वन पर्सन, राइट। तो ये जो पर्सन है इस खड़ी हुई कार को अगर मूव करना चाहे तो कैसे मूव करेगा। सपोज ये कार जो है खराब है, ये चल नहीं सकती है, तो ये जो पर्सन है क्या करेगा, ये पर्सन उसको टच करेगा और उसको आगे की तरफ उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, उसको एक पुश देगा सो दैट जो कार है वो मूव कर जाए। लेकिन अगर ये आदमी ऐसे ही खड़ा रहा, राइट, और उसने कार को बिल्कुल टच ही नहीं किया, तो क्या उसके बोलने से ही वो कार मूव कर जाएगी? नहीं कर पाएगी, उसको उस कार को टच करना पड़ेगा, उसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी, उसको पुश करना पड़ेगा सो दैट जो कार है उसको मूव करने में मदद कर पाए, राइट। तो इससे हम ये प्रूव करते हैं कि एटलीस्ट दो ऑब्जेक्ट्स जो है उनका आपस में इंटरैक्ट करना बहुत जरूरी है सो दैट जो फोर्स है दैट कम्स इनटू प्ले, राइट। अगर ये पर्सन इसको पुश करेगा विदाउट टचिंग तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो मूव कर जाए, राइट। तो इस पर्सन का इसके साथ इंटरैक्ट करना, उसको टच करना और पुश करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स अगर एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में होंगे तभी ही तो फोर्स जो है वो अप्लाई होगी, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया है, राइट। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे फोर्स के कुछ प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगी या हम एक एक्टिविटी ही कर देते हैं। तो सपोज ये जो बॉयज हैं, इन बॉयज ने क्या करना है, इस हैवी बॉक्स को मूव करना है, राइट। जैसे आपके घर में भी कई बार आपको आपके मदर बोल देते हैं कि बेटा इस बॉक्स को, इस टेबल को मूव करना है, आपने एक रूम से दूसरे रूम में रखना है, तो आप क्या करते हो, आप उस बॉक्स को पुश करते हो जिस डायरेक्शन में आपने उसको मूव करना है, राइट। तो यहाँ पे भी क्या है, दो फ्रेंड्स हैं, जब इन दोनों ने मिलके टेबल को एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाया, फोर्स अप्लाई किया, पुश करा, तो वो जो टेबल है मूव हो जाएगा, राइट। बट दूसरी तरफ आप देखो, अगर ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के ओपोजिट फोर्स लगाएंगे, तो क्या होगा, जो बॉक्स है वो मूव नहीं कर पाएगा, राइट। तो इससे आप क्या समझे कि जब हम सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट मूव करता है, लेकिन अब हम अगर हम ओपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है, राइट। सो हियर व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड चेंजेस द इम्पैक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट ऑल्सो चेंजेस। तो क्या हो रहा है, जब फोर्सेस को सेम डायरेक्शन में लगाया गया तो वो फोर्स एड अप हो गई, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट मूव कर पाया, लेकिन जब वो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है तो जो फोर्स है वो जो है कैंसिल अप हो जाती है, वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो वो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर पाता। यहाँ पे इस बॉय ने भी इस तरफ को फोर्स लगाया और इसने उसके ओपोजिट फोर्स लगाया, तो जो एक इस तरफ की फोर्स ने इस फोर्स को कैंसिल आउट कर दिया और ये ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पर ही रहेगा, राइट। और यहाँ पे जब दोनों ने सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट विल ऑल्सो मूव, राइट, ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा, अंडरस्टूड। तो नेक्स्ट अब हम फोर्स के बारे में और सीखते हैं। तो यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे हो, राइट, आपको इस गेम का नाम तो पता ही होगा, राइट। तो क्या होता है, इस गेम में दो टीम्स होती है, हमारे पास दो टीम्स होती है जिसमें कुछ ना कुछ मेंबर्स होते हैं, राइट। तो क्या होता है, जो टीम ज्यादा पुल करती है, राइट, रोप को, जो टीम ज्यादा जोर से पुल करती है वो टीम जीत जाती है, और जो दूसरी टीम है उसके लोग उसी तरफ आके गिर जाते हैं, राइट। तो इस गेम में क्या हुआ कि जो फोर्स थी वो तो दोनों तरफ से लगी थी, राइट, क्योंकि वो ओपोजिट डायरेक्शन में थी, और जिस तरफ से फोर्स ज्यादा होगा वही वाली टीम जो है वो जीत जाती है, राइट। सो दिस गेम इज नोन एज टग ऑफ वॉर, आई होप आपको इसका नाम बताइए, राइट। तो इससे हमने क्या सीखा, क्या हम देखते हैं कि जब अनइक्वल फोर्सेस ओपोजिट डायरेक्शन में लगती हैं तो जिस तरफ की फोर्स ज्यादा होती है मोशन जो है उसी तरफ होता है,
राइट. सो द फोर्सेस इस एक्टिविटी इस गेम से हमने क्या सीखा, जो फोर्सेस है अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन एड्स टू वन अनदर एंड इफ द फोर्सेस दे एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस. दैट मीन्स कि जब इस तरफ से जो सपोज इस तरफ से जो फोर्स लग रही है वो एफ वन लग रही है राइट, और इस तरफ से जो फोर्स लग रही है वो एफ टू लग रही है. सपोज इस वाली टीम ने जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा लगाई एज कम्पेयर टू दिस टीम, तो क्या होगा, ये जो रोप है इस तरफ को ज्यादा पुल हो जाएगा राइट, एंड ये वाली टीम वन कर जाएगी, जीत जाएगी, क्योंकि उन्होंने फोर्स ज्यादा अप्लाई किया. आई होप आपको ये अंडरस्टूड है. चलिए तो अब हम नेक्स्ट सीखते हैं. अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. तो यस, अगर एक ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पर है तो क्या होगा, सपोज एक बॉल है जो रेस्ट पर पड़ी हुई है, अगर मैंने उसको किक करा राइट अगर मैंने उसको किक करा तो क्या होगा, वो बॉल मूव करना स्टार्ट कर देगी राइट. दैट मींस मैंने क्या किया, उसकी जो एक स्टेट ऑफ रेस्ट थी उसको मैंने चेंज करके एक स्टेट ऑफ मोशन में कन्वर्ट कर दिया. कैसे, एक सिंपल सी फोर्स लगा के उसको किक करके राइट. तो ये जो आप पिक्चर में देख रहे हो, ये गेम आपने बचपन में आई एम श्योर खेला ही होगा. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो एक व्हील लेते हैं और उस फोर्स उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं और उसको मूव करने की कोशिश करते हैं राइट. वो फोर्स किसकी हेल्प से लगाते हैं, एक वुड की रॉड से उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं. तो जितनी जोर से फोर्स लगाएंगे उतनी ही तेजी से जो व्हील है वो मूव करना स्टार्ट होगा राइट. वो उतनी ही ज्यादा स्पीड के साथ मूव करेगा. तो हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे जो टायर था वो पहले तो रेस्ट पे था राइट. जब बच्चे ने उसको एक वुडन स्टिक से पुश किया, उसके ऊपर फोर्स लगाई, तो वो मूव करना स्टार्ट हो जाता है. और जितनी ज्यादा जोर से जितनी ज्यादा स्पीड से वो उसके ऊपर पुश करेगा, उसको फोर्स देगा, उतनी ही ज्यादा जो उसकी है स्पीड वो चेंज होती जाएगी राइट. तो हम क्या कहते हैं, अ फोर्स कैन ब्रिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन. तो जो ऑब्जेक्ट है जो पहले रेस्ट की कंडीशन में था वो अब मोशन की कंडीशन में आ चुका है राइट. तो आई होप आपको ये चीज क्लियर है. तो हमने ये पहले भी एग्जांपल्स करी है कि फुटबॉल खेलते हुए जो प्लेयर्स हैं जब वो एक बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो बॉल है वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन में आ जाती है. ऐसे ही जब एक गोल कीपर है वो क्या करता है, वो एक मूविंग बॉल के ऊपर ओपोजिट फोर्स अप्लाई करके उसको स्टॉप करने की कोशिश करता है राइट. तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड है कि कैसे जो फोर्स है वो एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाती है और कैसे एक मोशन करती हुई ऑब्जेक्ट को रेस्ट के ऊपर ले आती है राइट. तो यहाँ पे मैंने एक आपको फ्लिप के हेल्प से दिखाना था. इसमें क्या हुआ कि जब हमने फोर्स अप्लाई करी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरफ, तो क्या होगा, उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी राइट. लेकिन जब हम फोर्स उसको ओपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है, उसकी स्पीड जो है कम हो जाती है. जैसे यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही इस प्लेयर ने इस बॉल को किक किया तो बॉल क्या है मूव करके गोलकीपर की तरफ गई, और गोलकीपर ने क्या किया, उस बॉल के ऊपर ओपोजिट फोर्स लगा के उसको स्टॉप कर दिया. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बॉल जो है वो मूव करना बंद हो गई है राइट. तो जो फोर्स है वो ऐसे काम करती है. आई होप आपको अंडरस्टैंड है कि उसने कैसे उसके जो है स्टेट ऑफ मोशन एंड स्टेट ऑफ फोर्स को चेंज किया राइट. अब नेक्स्ट हम एक और एक्टिविटी के साथ इस चीज को समझ सकते हैं. तो होता क्या है, तो यहाँ पे हमने एक बॉल को अपने हैंड से पुश किया है राइट. तो जब मैंने उसको जोर से पुश किया तो वो क्या हुआ, उस तरफ को मूव कर गई है राइट. तो इसी बॉल को, इस मूव करती हुई बॉल को अगर मैं स्केल के साथ, सपोज मैंने एक स्केल लिया और इस स्केल के साथ इसको हिट किया तो क्या होगा, इस बॉल की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो चेंज हो जाएगी. यही बॉल जो पहले इस तरफ को मूव कर रही थी सामने की तरफ को, वो अब नीचे की तरफ को मूव करने लग जाएगी. तो क्या हुआ, मैंने उस बॉल के ऊपर पुश किया, उसको हिट किया तो वो मूव करना स्टार्ट हुई. जब मैंने एक रूलर के साथ या स्केल के साथ उसको दोबारा हिट किया तो उसका जो मूवमेंट का पाथ था वो
चेंज हो गया, राइट। तो क्या कंफ्यूजन निकला कि जब हम किसी मोशन करती हुई चीज को हिट करते हैं तो उसकी जो स्पीड है और उसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, दोनों जो चीजें हैं उसमें चेंज हम ला सकते हैं। या तो उसकी स्पीड हम इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, और उसकी जो मोशन की डायरेक्शन है उसको भी हम अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट या राइट चेंज कर सकते हैं, राइट। सो ऑफ कोर्स मे ब्रिंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन एंड ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इससे हमने ये चीज प्रूव करती है, राइट। तो नेक्स्ट जो थिंग आती है, दैट अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये कैसे होता है, इसके लिए हमने एक एग्जांपल पढ़ी है जिसमें क्या होता है, जब हम एक आटे को भूनते हैं, राइट। तो आटे को जब हम भूनते हैं तो वो उसको रोल करते हैं, धीरे धीरे उसकी जो शेप है वो चेंज होने लगती है। उसको रोल करने के बाद उसको हम एक चपाती बनाते हैं, उसको मतलब उसकी जो शेप है हम उसको चेंज करते जाते हैं। तो ये कैसे उसकी शेप चेंज हुई, ये ऐसे चेंज हुई क्योंकि हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करी है, राइट। उस फोर्स को अप्लाई करने के बाद ही उसकी जो शेप है वो एक बॉल से एक चपाती में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। इसकी एक और एग्जांपल है, जब आप एक बलून को, आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो, राइट, तो उससे क्या होता है कि वो जो बलून है, सपोज आप उसको इन्फ्लेट करते हो, राइट, उससे क्या होता है उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है, राइट। तो ये शेप कैसे चेंज हुई, एयर की प्रेशर की वजह से, राइट। एयर की हेल्प से जो फोर्स अप्लाई हुई उस बलून के ऊपर, उससे उसकी जो शेप है वो चेंज हो गई, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका है। तो क्या हम आगे पढ़े, यस ओके। तो हम एक फोर्स जो है उसको हम जनरलाइज वे में स्टडी करेंगे कि जो एक फोर्स है उसके क्या क्या फीचर होते हैं, वो क्या क्या कर सकती है, राइट। तो सबसे पहले हमने जो पढ़ा था, दैट इज अ फोर्स कैन मेक द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम द रेस्ट। इसकी बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल थी कि सपोज एक जो बॉल है वो ऐसे ही पड़ी है, राइट, जब आप उसको आकर किक करते हो, राइट, तो वो जो बॉल है वो मूव करना स्टार्ट हो जाती है। दैट मीन्स वो उसने क्या किया, उसने अपनी जो रेस्ट की पोजिशन थी उसको चेंज करके वो मोशन में आ गई। सेकेंड पॉइंट आता है कि जब हमने किसी भी चीज को मोशन में, अगर है, अब जितनी हम जोर से उसको हिट करेंगे या जितनी जोर से हम उसके ऊपर एक पुश लगाएंगे या पुल लगाएंगे, उतनी ही स्पीड से वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि एक मूव करती हुई चीज की हम डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो भी चेंज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि जो फोर्स है दैट मे ब्रिंग ऑल्सो चेंज इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि किसी ऑब्जेक्ट की वो शेप को भी चेंज कर सकता है। जैसे बलून की एग्जांपल ली, राइट, उसको उसके अगर उसमें हमने एयर नहीं भरी है, राइट, तो उसकी शेप क्या होती है, बहुत छोटा सा होता है। जब उसके अंदर हम एयर भर देते तो वो फूल जाता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। ऐसे ही एक आटा है, आटे को उसमें आप पानी डालते हो, उसको पहले गूंथते हो, राइट, उसकी एक बॉल बनाते हो छोटी सी, देन उसको बेलन की हेल्प से चपाती की शेप जो है चेंज कर देते हो चपाती की शेप में, राइट। तो ऐसे हम फोर्स अप्लाई करके शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, राइट। तो कई बार क्या होता है, इसमें मैं एक और आपको पॉइंट बताना चाहूंगी कि जो फोर्स है वो जरूरी नहीं है कि जब आप लगाओगे तो ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा ही आएगा, तो ये जरूरी नहीं है। तो इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो, आप आपके जो घरों में वॉल्स हैं, राइट, आप अगर अपनी वॉल को पुश करोगे, बहुत जोर से पुश करोगे, तो क्या वो वॉल मूव करती है, नो, दैट डजंट मूव, क्योंकि आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो दैट इज नॉट सफिशियंट, राइट, वो इतनी सफिशियंट नहीं है कि आपकी जो वॉल है उसको मूव कर पाए, राइट। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ही जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो वो चीज मोशन में आएगी, ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। तो इट मे कॉज सम और ऑल ऑफ दीज चेंजेस, राइट। तो ये हो गए फोर्स के फीचर्स। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस में मेनली जो है दो टाइप्स है। फर्स्ट इज कॉन्टैक्ट फोर्सेस, राइट। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में हम दो तरह के फोर्सेस पढ़ेंगे, मस्कुलर फोर्स एंड
फ्रिक्शन. ओके, नेक्स्ट जो है सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. इसमें हम पढ़ेंगे फर्दर टाइप्स मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. तो इसको वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द कॉन्टैक्ट फोर्स. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स? कॉन्टैक्ट फोर्स को हम कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों बोल रहे हैं? जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने फर्स्ट चीज ही ये पढ़ी थी कि इंटरैक्शन जो है दो ऑब्जेक्ट्स में होना बहुत जरूरी है, तभी वो एक दूसरे के ऊपर जो है फोर्स को अप्लाई कर पाएंगे, राइट? तो यही इंटरैक्शन का मतलब है कॉन्टैक्ट में होना, राइट? तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, आपके पास एक अगर पानी की बाल्टी है, राइट, आपकी मदर ने उसको उठाने को बोला है, तो क्या आप कैसे उठाओगे उसको? कैसे उठाओगे आप उसको? अपने हाथों पे पकड़ोगे, राइट, और उसको उठा लोगे. तो कैसे, किस चीज ने आपकी हेल्प करी उसको उठाने को? आपके मसल्स ने, राइट? तो आपके जो मसल्स का फोर्स है वो इसमें यूज होगा जिसकी मदद से आपने बाल्टी को उठाया है, राइट? तो ये जो फोर्स लगी है ये कॉन्टैक्ट फोर्स है. क्या आपने बाल्टी को बिना पकड़े उठा लिया? क्या आप उसको उठा सकते हो बिना पकड़े? नहीं ना. तो इसके लिए आपको क्या, उसके कॉन्टैक्ट में आना पड़ेगा, उसको टच करना पड़ेगा, राइट? तो इसी वजह से हम इसको कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं, राइट? तो क्या होता है कि आपने विलेजेस में कॉमनली देखा ही होगा कि जो फार्मर्स होते हैं जब वो फील्ड्स में प्लोइंग करते हैं तो वो किन की हेल्प लेते हैं? वो कैटल्स की हेल्प लेते हैं, राइट? कैटल की मदद के साथ ही वो प्लोइंग करते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है, कैटल के मसल को यूज किया जाता है, राइट? उनकी कैटल की मसल है जो उनकी फोर्स को यूज किया जाता है, राइट? तो इसकी हेल्प से ही जो बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेस है एग्रीकल्चर में वो कैरी ऑन किए जाते हैं. जैसे आप यहाँ पे देख ही रहे हो, यहाँ पे कैटल की मदद से ही जो है इस ऑब्जेक्ट को पुल किया जा रहा है, राइट? तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, मस्कुलर फोर्स यूज हो रही है, राइट? तो जो मस्कुलर फोर्स है दैट इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. अब हम इसकी कुछ और एग्जाम्पल्स भी देखते हैं. जैसे आपका स्कूल का बैग होता है, राइट, उसको अगर आपने उठाना होता है तो आप क्या करते हो, उसको पुश या पुल करते हो, राइट? तो आपको वो जो पुश या पुल करना पड़ रहा है वो आप किसकी हेल्प ले रहे हो? अपने मसल्स की, राइट? तो ये यहाँ पे भी जो है मस्कुलर फोर्स जो है वो यूज की जाती है अपने स्कूल बैग को पुल या पुश करने के लिए, राइट? ऐसे ही अगर आपने एक वाटर की बकेट जो गिरी हुई है उसको लिफ्ट करना है तो अपने मसल्स की फोर्स से ही उसको पिक करोगे, राइट? उसके बाद इसी फोर्स को दैट इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ योर मसल्स ऑफ बॉडी दैट इज नोन एज द मस्कुलर फोर्स, राइट? और ये जो मस्कुलर फोर्स है ये किसकी वजह से पैदा होती है? ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल, राइट? तो ये जो एक फोर्स है इसको कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि दो ऑब्जेक्ट या दो बॉडीज का टच में होना बहुत जरूरी होता है. अब जो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स की, दैट इज फ्रिक्शन, राइट? तो सबसे पहले फ्रिक्शन होता क्या है हम पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं. तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए. तो अगर मैं बोलूँ कि अगर मैंने किसी बॉल को जब हिट किया है, पुश किया है, राइट, तो उसको पुश करके मैंने छोड़ दिया, तो क्या वो ऐसे मूव ही करती रहेगी? क्या वो घूमती ही रहेगी? नहीं ना. क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद वो स्टॉप हो जाएगी, राइट? इसका मतलब है कि वो उसके ऊपर एक ओपोजिट फोर्स ने एक्ट किया जिसकी वजह से वो थोड़ी टाइम बाद स्टॉप हो गई. तो वो कैसे स्टॉप हो गई? क्योंकि जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया वो उस डायरेक्शन में मूव तो कर रही थी, बट क्योंकि वो ग्राउंड के साथ टच में थी, कॉन्टैक्ट में थी, जिस वजह से ग्राउंड ने उसके ऊपर एक दूसरा फोर्स लगाया जो उसकी डायरेक्शन से ओपोजिट था. तो क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद वो जो बॉल है वो स्टॉप हो, राइट? जब तक आपका फोर्स, आपका लगाया हुआ फोर्स ज्यादा था ग्राउंड के फोर्स से, तब तक तो बॉल मूव करती जाएगी, बट जैसे ही ग्राउंड का ज्यादा होगा, जब जैसे ही ग्राउंड का फोर्स ज्यादा होगा तो जो बॉल है वो रुक जाएगी, दैट मीन वो अपने मोशन से रेस्ट की स्टेट में आ जाएगी. वो उसकी जो मूवमेंट की डायरेक्शन थी उसके जो ओपोजिट फोर्स लगी उसको हम बोलेंगे फ्रिक्शन, राइट? तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक सपोज यहाँ पे बुक थी, राइट? तो जिसको मैंने क्या किया, नीचे को धक्का दे दिया,
राइट। तो इस स्लोप से मैंने बुक को नीचे की तरफ मूव करने के लिए उसको पुश कर दिया, तो क्या होगा, ये बुक जो है डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट हो जाएगी। राइट, थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ये जो बुक है आकर यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। तो वो क्यों स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर ये जो ब्लॉक था उसने एक ऑपोजिट फोर्स लगाई, दैट इज फ्रिक्शन। राइट, जब जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है उसके ऑपोजिट की तरफ फोर्स लगेगी, तो वो जो ऑब्जेक्ट है, जो बुक थी, वो मूव करना बंद हो जाएगी। तो इससे हम क्या सीखा कि जो फ्रिक्शन है उसकी जो डायरेक्शन है हमेशा ऑब्जेक्ट के मोशन के डायरेक्शन से ऑपोजिट होगी। राइट, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि जो बॉल, अगर किसी बॉल को हम रोल करते हैं, राइट, उसको मतलब पुश करते हैं, तो वो रोल करती रहती है ग्राउंड पे, और थोड़ी देर बाद वो जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाती है एंड फाइनली वो एक रेस्ट की पोजीशन में आ जाती है। राइट, तो फोर्स ही है जो रिस्पॉन्सिबल होती है किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए। राइट, और जब ही जैसे ही जिस तरफ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी उसको हम बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। राइट, तो इसमें भी क्या है कि जो फोर्स लग रही है वो कॉन्टैक्ट में लग रही है। राइट, तो इसीलिए इसको भी हमने कॉन्टैक्ट फोर्स के कैटेगरी में रखा हुआ है। नाउ अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्या आता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। राइट, तो इन सब में क्या होता है कि आई एम श्योर आपने बचपन में क्या किया होगा, आपने बचपन में मैग्नेट्स के साथ तो खेला ही होगा। राइट, तो यहाँ पे आप एक मैग्नेट देख रहे हो, सो दिस इज अ मैग्नेट। तो मैग्नेट क्या करता है, आपको पता ही है कि एक मैग्नेट जो है वो हमेशा एक दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है। जैसे यहाँ पे पिक्चर में शो हुआ है कि ये जो मैग्नेट है ये क्या करेगा, इस मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। राइट, बट ये जो है ये कैसे, क्या इसके टच में ये होना जरूरी है, नहीं ना। ये जो मैग्नेट थे ये आपस में टच थोड़ी ना किए हुए, ये आपस में इनके बीच में एक स्पेस है। राइट, वो जो स्पेस है वो कैसे है, क्योंकि इन दोनों को कॉन्टेक्ट में होना जरूरी नहीं है। वो जो मैग्नेट है वो दूसरे मैग्नेट को अपनी तरफ दूर से भी पुल कर सकता है, यही तो मैग्नेट का नेचर होता है। राइट, तो यहाँ पे जो फोर्स लगा रहा है मैग्नेट एक दूसरे ऑब्जेक्ट पे या दूसरे मैग्नेट पे, दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मैग्नेट है, दिस मैग्नेट इज अट्रैक्टिंग दिस नेल। तो इन दोनों के बीच में कितना ज्यादा डिफरेंस है, बिल्कुल भी टच नहीं कर रहे हैं। बट थोड़ी देर के बाद क्या हो रहा है कि वो जो मैग्नेट है वो इस नेल के साथ टच में आ रहा है। राइट, तो वो ऐसे इसको अपनी तरफ पुल कर पा रहा है। राइट, तो ये हुई एग्जांपल एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की, राइट, जो मुझे अभी पड़ी इस बुक में। और हमने जो मैग्नेट्स के बारे में और भी कुछ पढ़ा है। राइट, तो क्या होता है कि जो मैग्नेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने आस पास एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट कर लेते हैं। जैसे ये मैग्नेट है तो ये क्या करेगा, अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेगा। राइट, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अट्रैक्ट कर लेती है दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ। राइट, तो हमने मैग्नेट्स की और भी क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी है कि जो मैग्नेट्स होते हैं उनके दो पोल होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ दिस इज द साउथ पोल एंड दिस इज द नॉर्थ पोल। राइट, अगर मैं यहाँ पे मैग्नेट ड्रॉ करूँ तो सपोज ये जो मैग्नेट है ये इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। राइट, और ये दूसरा मैग्नेट है इसका ये वाला साउथ पोल है और ये वाला नॉर्थ पोल है। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि ये जो अनलाइक ये जो लाइट पोल है ये क्या करेंगे, ये आपस में अट्रैक्ट नहीं होंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। राइट, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ द अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट the light poles of two magnets repel each other, ये आपस में एक दूसरे को repel करना start कर देते हैं। right, अगर वही दूसरी तरफ मैं क्या करूँ, मैं अगर magnets बनाऊ और उनके opposite poles को एक दूसरे के पास रखूँ, पोल यहाँ पे north है और यहाँ पे south है, यहाँ पे south है, यहाँ पे north, तो क्या होगा, ये तो जो poles है ये unlike, right, तो ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं।
राइट। तो क्या होता है, एक जो मैग्नेट होता है वो दूसरे मैग्नेट की तरफ एक फोर्स को एक्सर्ट करता है, एक्सट्रैक्ट करता है विदाउट बीइंग कॉन्टैक्ट, राइट। इसमें टच होना या कॉन्टैक्ट होना जरूरी नहीं होता है, इसीलिए इस एग्जाम्पल को हमने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में इंक्लूड किया, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको हम एक एक्टिविटी के हेल्प से समझते हैं। तो क्या करना है, आपने टेबल के साथ एक जो है प्लास्टिक स्ट्रॉ को हैंग करना है, राइट। आपने क्या करना है, एक स्ट्रॉ लेनी है, उसको दो इक्वल पीसेस में काटना है और उसमें से जो एक इलास्टिक का पीस होगा उसको थ्रेड की हेल्प से इस टेबल के साथ हैंग कर देना है, राइट। उसके बाद आपने जो दूसरा उसका हाफ पीस आपके हैंड में आपने होल्ड कर रखा है उसको आपने रब करना है किसी भी अदर सर्फेस के साथ, वो शीट ऑफ पेपर हो सकता है, वो कोई क्लोथ हो सकता है, राइट। आफ्टर रबिंग क्या होगा, वो जो स्ट्रॉ है उसके अंदर चार्ज पैदा हो जाएगा, राइट। जब ये चार्ज स्ट्रॉ आप इस दूसरी जो हैंग करी हुई अनचार्ज स्ट्रॉ के पास लेके जाओगे तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होगा, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, जब हम एक अनचार्ज स्ट्रॉ के पास एक चार्ज हुई स्ट्रॉ को लेके जाते हैं तो देयर विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द टू स्ट्रॉज। तो इसी को क्या बोला जाता है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इस इन दोनों स्ट्रॉ ने भी एक दूसरे को टच नहीं किया, कॉन्टैक्ट नहीं किया, राइट। तो इसीलिए हमने इनको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज में रखा है, राइट। तो यहाँ पे क्या हमने सीखा कि जो स्ट्रॉ है जिसको हमने रब किया वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एक्वायर कर लेती है, राइट। और यही जो चार्ज बॉडी है एक दूसरी अनचार्ज बॉडी को अपनी तरह अट्रैक्ट करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हेल्प। आई होप आपको ये समझ में आया है। अब हम जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है उसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या होता है कि अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आप किसी माउंटेन के ऊपर चढ़ रहे हो, राइट, तो अगर आपने वहां से कूदना है तो आप किस तरफ गिरोगे, किस डायरेक्शन में गिरोगे, आप ऑब्वियसली नीचे को ही गिरोगे, नीचे की डायरेक्शन में ही गिरोगे। तो क्यों आप सिर्फ नीचे की डायरेक्शन को ही गिरते हो, बिकॉज अर्थ जो होती है वो आपको अपनी तरफ पुल करती है, राइट। दैट इज वाई आप हमेशा अर्थ की तरफ ही गिरते हो, राइट। तो आपने इजाक न्यूटन का तो नेम सुना ही होगा। न्यूटन ने क्या किया था, न्यूटन जो थे वो एक दिन क्या पार्क में बैठे थे, उनके नीचे बैठे थे, तो वो कुछ सोच रहे थे। अचानक उन्होंने क्या देखा कि जो इस पेड़, जिस पेड़ के नीचे वो बैठे थे, तो इसी पेड़ का जो एक एप्पल था वो नीचे गिरा। तो उन्होंने जब इसको देखा तो उन्होंने सोचा कि ये जो एप्पल है वो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया, लेफ्ट या राइट क्यों नहीं चला गया, क्यों नहीं चला गया, बिकॉज जो अर्थ है उसने उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करा, राइट। तो जो एप्पल है वो हमेशा नीचे की तरफ ही क्यों गिरा, दैट इज ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, राइट। फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, जब कुछ ऑब्जेक्ट्स या चीजें हमेशा अर्थ की तरफ ही पुल हो उसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, अर्थ की ग्रेविटी कहते हैं। तो सारे के सारे लीव्स या फ्रूट्स जो है वो हमेशा ग्राउंड की तरफ ही मूव करते हैं। अदर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा है, जब भी आप टैप वाटर चलाते हो तो वो वाटर जो है हमेशा नीचे की तरफ फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है, ग्राउंड की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो ये क्यों होता है, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है। और रिवर्स का जो वाटर है वो हमेशा फ्लो करता है डाउनवर्ड मूवमेंट को, क्यों, ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो आई होप आपको प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझ में आया है। प्रेशर क्या होता है, दैट इज द फोर्स अपॉन एरिया, राइट। फोर्स जो होती है, प्रेशर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ही जो ज्यादा प्रेशर होगा, और जितना एरिया कम होगा उतना ही प्रेशर ज्यादा होगा, राइट। इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल ऑफ हील से, जो आपको इजीली समझ आएगी। तो क्या होता है, कुछ हील जो होती है वो पॉइंटेड होती है, राइट, और कुछ हील्स ऐसी होती हैं जिनको रेड हील्स बोल देते हैं, राइट। और क्या होता है कि जो पॉइंटेड हील्स होती है उनका जो एरिया होता है वो बहुत कम होता है, डिक्रीज होता है,
जिस वजह से क्या होता है कि जो प्रेशर है पैर के ऊपर वो इंक्रीज हो जाता है और पेन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो पॉइंटेड नेल्स हैं उनको हम ज्यादा टाइम तक नहीं बेयर कर पाते हैं। और दूसरी तरफ जो वेट नेल्स होती हैं उनमें क्या होता है कि जो एरिया है वो ज्यादा है, राइट, ज्यादा एरिया होने की वजह से प्रेशर जो है वो कम हो जाता है और जो पेन होती है पैर के ऊपर वो कम होती है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है कि जो प्रेशर होता है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पॉटल्स की एग्जांपल हमने देखी कि जो पॉटल्स होते हैं हमारी हेल्प करते हैं लगेज को उठाने के लिए, तो वो क्या करते हैं वो अपने हेड के ऊपर एक राउंड पीस ऑफ क्लोथ रख लेते हैं सो दैट सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए और उनको जो लगेज का प्रेशर है वो कम फील हो, राइट। तो आई होप आपको प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम जो इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज जो प्रेशर है वो क्या लिक्विड्स एंड गैसेस के द्वारा एग्जर्ट किया जाता है। तो ये हम एक्टिविटी के साथ समझते हैं, राइट। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है प्रेशर डिफरेंस का, राइट, प्रेशर डिफरेंस का। तो जब भी प्रेशर डिफरेंस आता है तो उसकी वजह से क्या कॉज होता है, मूवमेंट स्टार्ट होती है, राइट। तो यहाँ पे सपोज हमने एक बॉटल ली है पहले, राइट, इस एक्टिविटी के लिए हम क्या करेंगे, एक प्लास्टिक बॉटल लेंगे, राइट, और उसके जो बॉटम में क्या करेंगे उसमें होल करके एक सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब फिक्स कर देंगे, राइट, और जो बॉटल है उसको हम एक थिन रबर की शीट के साथ क्या करते हैं उसकी माउथ को कवर कर देते हैं, राइट। तो इसमें अब हमने क्या करना है, इस बॉटल को हमने हाफ तक तो फिल कर लिया था, राइट, तो धीरे धीरे क्या होगा, इस बॉटल का जो ये वाटर है वो धीरे धीरे हमने क्या करा था, हमने ये जो ग्लास ट्यूब थी उनके साथ हमने इसको एक बलून जो है वो अटैच कर दिया है। तो क्या होगा, ये जो वाटर है वो धीरे धीरे नीचे को मूव करेगा और ये जो बलून है ये इन्फ्लेट करना स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स इसमें क्या हुआ कि जो टॉप में वाटर का प्रेशर था यहाँ पे बहुत ज्यादा था और यहाँ पे जो प्रेशर था वो बहुत कम था। तो क्या हुआ, वाटर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करना स्टार्ट हो गया, राइट। तो यही जो है कॉज करता है वाटर की मूवमेंट, राइट। तो यहाँ से क्या कंफ्यूजन निकला कि जो लिक्विड था उसने बॉटल की वॉल के ऊपर तो प्रेशर को एग्जर्ट किया ही किया, राइट, और दूसरा उसने क्या किया, बलून को इन्फ्लेट कर दिया, राइट। और बलून की अगर एक मैं और एग्जांपल लूँ तो हम क्या करते हैं, हमारे पास अगर कोई बलून है उसको हम इन्फ्लेट करते हैं, कैसे, हम अपने माउथ की हेल्प से उसको हम उसके अंदर हवा भरते हैं और वो इन्फ्लेट कर जाता है। तो क्यों उसका जो साइज है वो चेंज हो गया, क्यों वो एक्सपैंड कर गया, क्योंकि जो हमने एयर उसके अंदर डाली तो उस एयर ने उसकी वॉल के ऊपर एक प्रेशर जनरेट किया जिसकी वजह से वो बलून है वो एक्सपैंड हो जाता है, राइट। तो इससे हमने ये देखा कि जो गैसेस है वो भी प्रेशर एग्जर्ट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वॉल के ऊपर, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो सबसे पहले तो एटमोस्फेयर क्या होता है, एटमोस्फेयर क्या होता है, एटमोस्फेयर एक क्या कह सकते हैं हम इसको, एक ब्लैंकेट ऑफ एयर होता है अराउंड द अर्थ, राइट, जिसमें क्या होता है एयर में भी तो हमें पता है बहुत सारी गैसेज ही होती है, राइट, तो वो जो एटमोस्फेयर में जो गैसेज है वो क्या करती है, वो प्रेशर एग्जर्ट करती है। अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो गैसेज है वो प्रेशर एग्जर्ट करती है, राइट। तो सपोज आप एक ग्राउंड में खड़े हो तो क्या होता है कि आपके ऊपर जो एयर है वो क्या करती है, आपके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करती है। तो क्या आप उस प्रेशर की वजह से बड़ी हो जाते हो और के अंदर घुस जाते हो, नहीं होते हो ना। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो प्रेशर गैसेज लगा रही है उसके ओपोजिट डायरेक्शन में भी एक प्रेशर मिल रहा है, जो हमारी बॉडी है वो भी एक प्रेशर एग्जर्ट करती है उस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए, इसी वजह से हम जो है अर्थ के अंदर बनी नहीं हो जाते, राइट। तो व्हाट इज एटमॉस्फेयर, होता क्या है, एटमॉस्फेयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर जिसमें बहुत सारी गैसेज होती है, राइट। तो जो प्रेशर एटमॉस्फेयर एग्जर्ट करता है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयरिक प्रेशर, एंड द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडीज is also equal to the atmospheric pressure, जो बैलेंस करता है इनसाइड प्रेशर को आउटसाइड प्रेशर, राइट। तो इस
सीधे दूसरे क्या होता है कि बैलेंस बना रहता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।